मेरे YouTube चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है माय लाइफ माय वे पर। आज हम क्लास 10 के हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। एक नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश दें। स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी होती है जो लिखा रहता है स्पष्ट रूप में, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं इन बातों पे। तो यथा निर्देश दें, इस बात पे ध्यान उन्हें हमेशा देना होगा कि जो नीचे जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर जिस तरह से देने के लिए बोले गए हैं, आप उसे पहले पढ़ लें कि कैसे किस तरह से देना है उत्तर। पहला प्रश्न मैं देखती हूँ, रैदास के पद पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यही निर्देश होते हैं। निर्देश ये दिया गया है कि आपके सिलेबस में जो पाठ है रैदास के पद, उस पाठ के आधार पर ही इन प्रश्नों के नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। पहला प्रश्न है, रैदास किस कार्य से संबंधित थे। इसके ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ मैंने जो सही उत्तर है उसकी ही चर्चा की है। तो रैदास चर्मकार थे, यानी चमड़े का काम करते थे। दूसरा है, यदि भगवान चंदन है तो रैदास क्या है। उस पाठ के आधार पर, रैदास के पद पाठ के आधार पर आपको इसके उत्तर देने हैं। रैदास जी ने क्या कहा है कि भगवान चंदन है और मैं क्या हूँ। तो रैदास पानी है, अपने आप को पानी कहा है, क्योंकि जिस तरह चंदन पानी में घुल जाता है उसे आप अलग नहीं कर सकते, उसी तरह ईश्वर उनके हृदय में बसे हुए हैं। ये सारे 9-10 क्लास के जो चैप्टर्स हैं, मैंने अपने वीडियो में की चर्चा की है। सारे चैप्टर्स को मैंने इसकी समीक्षा की है, आप लिंक बॉक्स में देख लें। और इस पाठ को, पूरे पाठ को आप अच्छी तरह से एक बार आप दो बार सुन लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। रैदास के पद भी है उसमें। तीसरा प्रश्न है, रैदास की मति है। उस पाठ के अनुसार रैदास ने अपनी मति को चंचल कहा है, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ उत्तर है चंचल। अब ख, धूमकेतु निबंध के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कॉमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है। तो चैप्टर, इसका भी चैप्टर मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। तो कॉमेट शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के कोमते से हुई है, जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। यानी पुच्छल तारा देखने में ऐसा लगता है जैसे उसके लंबे लंबे बाल पीछे की ओर उड़ रहे हो, तो उसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। अगला प्रश्न है, वराह मिहिर ने धूमकेतुओं के बारे में क्या लिखा है। उत्तर है, किसी धूमकेतु के दर्शन होने या अस्त होने का काल गणित की विधि से नहीं जाना जा सकता। यही वराह मिहिर ने धूमकेतुओं के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीखे ब्राहे कौन थे। इसका उत्तर होगा, तीखे ब्राहे यूरोप के ज्योतिषी थे। हेली के धूमकेतु पुनः कब दिखाई देंगे। हेली ने धूमकेतु के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, और उनकी भविष्यवाणी के अनुसार जब जब उन्होंने कहा था इतने वर्ष के बाद धूमकेतु दिखेंगे, उतने ही वर्षों के बाद वो दिखता रहा है, इसलिए इसे हेली का धूमकेतु कहते हैं। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार 1758, उसके बाद 1910, फिर 1986 और उसके बाद 2061 में हेली की धूमकेतु पुनः दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो कवि गुरु के आत्मत्राण से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, इसलिए हमें अपने बल पौरुष से हर समस्या का समाधान निकालना चाहिए, न कि दूसरों को दोष देना चाहिए। तीन नंबर प्रश्न हम देखते हैं, उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर है, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का जो चरित्र हमने देखा है, वो उसकी विशेषताएं अगर उसमें से हम निकालते हैं तो वो इस प्रकार से होंगी कि लहना त्याग करने वाला है, उसमें त्याग और परोपकार की भावना भरी हुई है। अपने प्राणों से ज़्यादा उसे दूसरों के प्राण बचाना ज़्यादा जरूरी लगता है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उस वह त्याग की भावना उसमें होती है, और ऐसी इसी कारण वह खुद अस्पताल न जाकर बुधा को भेज देता है।
वैसे भी सैनिकों की ये विशेषता होती है कि वे अपनी जान की परवाह नहीं करते। युद्ध भूमि में अपने देश के लिए वे अपने प्राणों का बलिदान और त्याग दे देते हैं। दूसरा है बलिदान। बलिदान देश के लिए हो या सच्चे प्रेम के लिए, लहना का चरित्र किसी में भी पीछे हटने वाला नहीं था, ये कहानी में हमने देखा। तीसरी विशेषता है देशभक्ति। देशभक्ति लहना के रग रग में थी। वह युद्ध भूमि में जिस चतुराई और चुस्ती का परिचय देता है, वह उसकी देशभक्ति का ही परिचय देती है। चौथी विशेषता है दूरदर्शी। लेफ्टिनेंट साहब को पहचान कर जिस तरह वह अपना फैसला करता है और जिस तरह से वह सारे और जिस तरह वह सारी व्यवस्था को सजाता है, इससे उसकी चतुराई का ही पता चलता है और दूरदर्शिता ही उसके बारे में बताती है कि वह दूरदर्शी था और वह बुरी परिस्थितियों को भांप लेता है। अगली विशेषता है सच्चा प्रेमी। लहना सच्चा प्रेमी था। उसने साबित कर दिया अपनी जान देकर और अपने प्रिय को दिए हुए वचनों को पूरा करके। अगली विशेषता है वचनबद्धता। लहना ने सूबेदारनी को वचन दिया था कि वह उसके पति और बच्चे की रक्षा करेगा और इस वचन को वह हर हाल में निभाता है। तो इस तरह से ये सारी विशेषताएं उसके चरित्र की हमने देखी। अगला प्रश्न है, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। नन्हा संगीतकार कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये गरीब कलाकार की अंधेरों में खो जाने की कहानी है, क्योंकि बेनाम कलाकार को कोई महत्व नहीं देता। सभी लोग नामी गिरामी कलाकार को ही महत्व देते हैं। वह जिसका नाम जेंको था, वह एक गरीब घर में पैदा हुआ था, पतला दुबला, जन्म से कमजोर। उसकी गरीबी ऐसी थी कि भरपेट खाना भी उसे नसीब नहीं होता था और इस तरह से वह और कमजोर होता चला गया। पर संगीत उसकी आत्मा में बसा हुआ था। आत्मा का संबंध आपके शरीर की मजबूती और कमजोरी से नहीं होता। और उसकी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी और शायद जीवन की एक ही इच्छा थी कि वायलिन को वह एक बार पा सके या उसे छू कर देख सके। और इसी वायलिन को छूने की इच्छा ने उसकी जान ले ली। उसे चोर समझा गया और बेत से उसे इतना पीटा गया कि उसका कमजोर शरीर उस मार को सहन नहीं कर पाया और वह खत्म हो गई उसकी जिंदगी। इस तरह एक कलाकार जो उदय से पहले अस्त हो गया। अगला प्रश्न है पांच नंबर, दीपदान एकांकी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो यह एक ऐसी स्त्री का चित्रण है दीपदान कहानी में, जो अपने राज्य के उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए अपने पुत्र के प्राणों का दान कर देती है। पन्नाधाई जो एक दासी है, उसका राज्य प्रेम, देश प्रेम और कर्तव्य परायणता का यहाँ पर चित्रण इस पाठ में लेखक ने किया है। वह एक उज्ज्वल चरित्र से युक्त और साहसी स्त्री है। लेखक का उद्देश्य मेवाड़ के अमर पात्र के उत्सर्ग का प्रकाशन करना है यहाँ पर। इससे संबंधित में भी मेरा एक वीडियो है दीपदान से संबंधित, आप उसे देखेंगे तो उसे बहुत अच्छी तरह से आप इस पाठ को समझ जाएंगे। और हमें पाठ को समझना होता है, लाइन बाय लाइन रट कर उसे उतारना नहीं होता है। अगर आप समझ गए तो आप अपनी भाषा में उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है तीसरी कसम की नायिका हीराबाई का चरित्रण कीजिए। तो तीसरी कसम की नायिका है हीराबाई, जिसके माध्यम से लेखक ने हीरा मन के सारे मनोभावों को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। हम देख लेते हैं कि उसके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। तो पहली विशेषता हमने देखी, सहृदय है वह। हीराबाई एक कोमल हृदय की स्त्री है जो हीरामन की छोटी छोटी बातों से प्रभावित होती है और उसे हीरामन से लगाव हो जाता है। दूसरी है बुद्धिमान स्त्री है वह। हीराबाई एक बुद्धिमान स्त्री है वह। हीरामन के लगाव को महसूस करती है पर वह समझ जाती है कि इंसान सीधा और सरल है, दुनिया की सच्चाई से अनजान है। तीसरी विशेषता है गुणी स्त्री है वह। हीराबाई एक गुणवान स्त्री है, उसमें काफ़ी सलीका और गुण भरा हुआ है। और भी हम विशेषता इसमें से देख सकते हैं, वह कोमल हृदय की स्त्री है। और आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे, आप अपने मन से और भी इसमें लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर तीन विशेषताओं का जिक्र किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला है हिंदी में अनुवाद करना है या ट्रांसलेशन है। तो देख लेते हैं, द रिलेशन बिटवीन मैन एंड ट्री इज एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इटसेल्फ।
यानी मनुष्य और वृक्ष का संबंध उतना ही पुराना है जितना मानव जाति का इतिहास। दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, ये कई मायनों में हमारे लिए उपयोगी हैं। दे गिव कूल सेट टू द टायर्ड ट्रेवलर्स, ये थके हुए यात्रियों को ठंडक देते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन देम, पक्षी उनमें अपने घोंसले बनाते हैं। दे ब्रिंग अबाउट रेनफॉल एंड दस प्ले अ की रोल इन द चेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन, ये वर्षा लाते हैं और इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे प्रिवेंट सॉयल एरोसन बाय बाइंडिंग द सॉयल विथ देयर रूट्स, और ये मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध कर रखते हैं और इससे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। 8 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम और चिन्ह लिखने हैं। तो कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, इसके चिन्ह भी मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे, ये 8 भेद हैं और इसके चिन्ह ये निम्नलिखित हैं। अगला देखती हूँ, समास से क्या समझते हैं। कर्मधारा एवं बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करें। तो समास से संबंधित भी मेरा एक वीडियो है, आप उससे डिटेल जानने के लिए देख सकते हैं। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से बनने वाले नए पदों या शब्दों को समास कहते हैं। अब कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, ये कभी कभी एक समान लगते हैं हमें, पर ये अलग होते हैं। किस आधार पर अलग होते हैं ये हम देखते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में कभी कभी भ्रम उत्पन्न हो जाता है, पर ध्यान से देखिए तो इनमें विभिन्नता है। जैसे बहुव्रीहि समास में दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता और कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, पर कर्मधारय समास में उपमा उपमेय का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास जैसे नीलकंठ यानी शंकर, जिसका कंठ नीला है उससे हम नीलकंठ नहीं बोलते हैं। नीलकंठ कहने का आशय है शंकर के बारे में बात की जा रही है, परंतु कर्मधारय में जिसका कंठ नीला होगा उसे नीलकंठ कहा जाएगा। यानी उपमा उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध के आधार पर कर्मधारय का निर्धारण करते हैं, परंतु बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि किसी और पद के बारे में बात की जा रही होती है। इसके साथ ही हमारा ये 10 क्लास के जो एक्टिविटी टास्क है उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बता दिए। आप इसे ध्यान से पढ़ाई कर लें, याद कर लें और समझकर पढ़ाई करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। आप इसे जितना बांटेंगे आप और ज़्यादा ज्ञानी होंगे। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।